शेर सिंह जी स्वागत हेलो, है। हाँ जी शेर सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल एकदम आवाज आ परफेक्ट रही है शेर मेरी? सिंह। हाँ जी शेर सिंह जी, आ रही है आपकी आवाज। जी मैंने बताएं कमेंट सर। किया था, हाँ जी बताइए सर, मैंने क्या कमेंट कमेंट किया किया था? था अभी क्या कमेंट किया कि था सर, आप है बताएं। ना, जो ये आते हैं कॉलर, कोई भी आता है ना, उस पे एक साथ चार चार चढ़ जाते हो सीधे। तो नहीं चलिए मैं अकेला बात करूंगा, आप आपके बात जो, करिए ना सर। चार चार कोई नहीं चढ़ता है, शेर सिंह जी हाँ यहाँ पर कोई नहीं, मैं चढ़ने तो के लिए बात बैठा है करने का, सर? मेरा तो वो नहीं है। बात करने के, ये बात करने के लिए बैठे हैं तो शेर आपके सिंह, जो ये हम फॉलोअर चार है चार। ना, वो पड़ गए पीछे कि शेर सिंह डर गया, भाग गया, वो हो गया। तो अच्छा। मैंने उसके लिए जुड़ा हुआ है। बस यही बात कहनी थी कि जब आपसे कोई बात कर रहा हो ना, तो उसको ढंग से सुन लिया करो बस। हाँ शेर सिंह जी, देखिए आप जो कह रहे हैं यार, आप यहाँ पर देखें, कोई चढ़ने के हाँ लिए, कोई आमने सामने लड़ने के लिए बैठा नहीं है, ना ही कोई ये जंग का मैदान है। हम यहाँ पर डिबेट के लिए बैठे हैं। और दूसरी हाँ बात ये है शेर सिंह जी, हाँ तो यहाँ मैं पर कोई एक बात अखाड़ा बताऊँ हो कि आपको, आप भाई सुनिए एक। कुश्ती चल रही, हाँ सुनेंगे आपकी बात सुनेंगे। कुश्ती चल रही हो तो बात अलग है कि भाई आप लोग छार हो, कोई एक बंदे को दबा लेती हो और उसकी कुटाई करते हो, तो ये बात अलग हो जाती है। यहाँ पर हम, ये विचारधारा की लड़ाई है और हाँ, यहाँ पर विचारधारा वाद की विवाद वो तो डिबेट है। है। हाँ हाँ तो देखिए आपको अपनी बात रखनी है, तो यदि कोई दूसरा बीच में अपनी बात रख भी देता है, पैनलिस्ट बैठा है, तो उसमें ये नहीं कि कोई चढ़ जाता हाँ है। जी आप बोलिए। नहीं, वो तो है। अब मैं बताता हूँ आपको, बात ये है कि आप चार चार बात करते हो उससे, तो जीतोगे आप भी हमेशा। चार चार बात करोगे तो, अब वो अकेला रह जाता है, ये बोल रहा हूं मैं। और वैसे नहीं मैं देख सुबह ना तो शेर ब्राह्मण सिंह हूं जी, ना ही शूद्र हूं, मैं तो बीच वाला हूं, नहीं मेरे मैं, को मतलब नहीं है। हाँ पता है शेर सिंह जी, देखिए सुनिए मेरी बात, ऐसा नहीं है हाँ कि जीतेंगे या हाँ जीतने हारने की बात ही नहीं मैंने है तो शेर आपको सिंह एक बात बताऊं, आपका, आप एक एक मिनट सुनोगे। मैंने तो जी। आपसे, आप सुनने लगा हूं मैं तो आपको 1 महीने से है। मैं आज से 5 साल पहले जयपुर में एक बंदे से मिला था जो ब्राह्मण था। मैंने उसको उसके मुंह पे बोला था सीधा, मैंने कहा यार ये सब कुछ है ना, ये जो आजकल ये छुआछूत वगैरह हो रही है, ये मैं तुम्हारे पंडितों के खेल, खुद ब्राह्मण से बोला था मैंने, मैं ये तुम्हारे पंडितों के खेल है, आज ये भुगत रहे हैं। मेरे को ये नहीं वो प्रॉब्लम बढ़िया, है वो देख ठीक है शूद्र शेर से किसी सिंह से, जी, अच्छी बात है, आप ये अच्छी समझ बात रहे है। हो ना कि लेकिन मैं उनके फेवर का, मैं उनके फेवर, लेकिन मैं भाई गाली भी नहीं दे सकता ब्राह्मण को, क्योंकि आज के टाइम पे वक्त बदल चुका है। पुरानों को गाली देने से अब क्या होगा, आज वक्त बदल चुका है। आज कई दोस्त है ब्राह्मण, बढ़िया है, आपके भी दोस्त होंगे, मेरे भी होंगे, मेरे दोनों प्रकार के दोस्त हैं मेरे, तो देखिए दोनों शेर प्रकार सिंह के जी, आप। शेर सिंह जी हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन हाँ हमारे जो ब्राह्मण दोस्त हैं ना, वो खुद को ब्राह्मण नहीं मानते, वो हाँ इंसान मानते हैं। जैसे हमारे साथ अमित तिवारी सर भी आते हैं, हाँ वो अरे क्या है, ये तो वो सब भी एक बकवास सो कॉल्ड करते उसी हैं, फैमिली से, अरे मेरे पर लेकिन देखिए ये बकवास नहीं कर नहीं। रहे। अरे यार हाँ आप सुन तो लीजिए शेर सिंह जी, फिर यार आप क्या बात कर रहे हैं। हाँ देखो बोलिए। शेर सिंह, हाँ तो देखो शेर सिंह, गलत को हाँ गलत कहना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि ब्राह्मणों को दोष नहीं दे सकते, हाँ क्यों नहीं दे सकते? जो व्यवस्था जिसने कायम की आप अब उसको आज, दोष नहीं दे सकते, फिर किसको दोगे ये हाँ बताओ। अब आप ही, अब आप एक बात सुनना मेरी हल्की सी। आपको आरक्षण मिले 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, आपने अभी ये बात क्यों उठाई है? पता है आपको भी, पता है मेरे को भी पता है, क्योंकि आपको अब अधिकार मिलने अच्छा लग चुके आरक्षण हैं, आप तब नहीं आप देते उठा रहे हो। आरक्षण शेर अजय सिंह जी जी, मैं आरक्षण थोड़ी बात आप कर नहीं लेता देते हूँ उनसे, उनसे। अजय जी मैं नहीं तो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, ठीक। नहीं आप ये बात कह रहे हो कि आपको आरक्षण मिले 70 साल हो गए, भाई आप जो गुर्जर हैं वो भी तो ओबीसी का आरक्षण खा रहे हैं ना, आप मतलब किससे हाँ बोल रहे हो ये चीज? वो तो आ रहा है, नहीं बात यहाँ आरक्षण की है ही क्यों नहीं, आपने ये ये है जातिवादी बात नहीं छुआछूत है, की, आपने मैं बोल बता दिया रहा मैं हूं। तो मैं नहीं, ये भी तो जातिवादी बात हो गई ना, आपने क्या बोला कि मैं हाँ ब्राह्मण भी जाति नहीं हूं, का मैं ठप्पा शूद्र भी लग नहीं चुका हूं। है अपन सब पे, मैं बता रहा हूँ आपको, अपन पे जाति का ठप्पा लग चुका है, ये नहीं मिट सकता। मैं क्यों बताऊं, नहीं मिट सकता? मेरे एक उसमें आधार कार्ड में गुर्जर नहीं लगा पाया, मेरे को लगाना पड़ा जाके, मेरे 1000 रुपये खर्च हो गए, मेरे को लगाना ही पड़ा क्योंकि पहले लग चुका था वो। ये तो ठप्पा लग चुका अपन सबके, ये तो वो तो तो आपका रहेगा, अपन नाम है इसको सर, कुछ भी आप कर ले। गुर्जर हाँ ही नहीं, यदि आप वहां पर गुर्जर की जगह पर कुछ भी लिखे होते सरनेम में, हाँ आप गुर्जर की जगह एक्स वाई जेड सरनेम लिखे होते, बाकी डॉक्यूमेंट में आपके वो है हाँ एक्स वाई जेड, तो आपको हाँ एक्स वाई जेड लिखवाना पड़ता हाँ या फिर हटवाना ही पड़ता सारे में से। तो देखो ये सारी चीजें तो वो आपके डॉक्यूमेंट करेक्शन की बात है, इसमें ये थोड़ी ना कि वो कोई आपको जाति लिखने बोल रहा है यार, ये कैसी बात हुई? और एक बात बताओ, मैं ना आपका 1 महीने से देख रहा हूँ, मेरे को शुरू में तो बढ़िया मजा आया कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है,
अब कुछ दिनों से मैं थोड़ा पक चुका हूँ इससे, वो ही आरडी और एक आध दो और उनसे आ गया, कुछ बताते नहीं, कुछ तो मतलब निकालने ही वो तो, और मतलब 4-5 पे लेके बैठे हो पूरी बात। तो आपको और चाहिए, आरडी, चलो एक तो और आरडी नया रोज का आता बनाते, चलो आरडी से है, इतर ले कुछ चल। अलग अलग हो तो भी चल, सोचे हाँ कि हाँ यार अलग अलग है, देखो और यार, तुम ये मेरे मजे सोच रहे लेने हो, मैं तो आते हैं देख, मैं तो मजे यार लेने मतलब आया हूँ, तो इस बात देखो। मेरे को फर्क नहीं चलिए पड़ता, आजाद जी, मैं इनसे थोड़ी बात कर लेता हूँ, मैं तो एक मजे बात लेने कर। आता हूँ। अरे यहाँ मजा नहीं चल रहा भैया गुर्जर जी, यहाँ मजा नहीं चल रहा है। 5 घंटे हम खराब कर रहे हैं, बहुत पैसा चार्ज करते हैं अपने ऑफिस में बैठ के, या 5 घंटे समाज सेवा के लिए बैठे हुए हैं। आप कौन? जैसे लोग मेरे ऑफिस में आएंगे ना, तो घंटों इंतजार करना आप कौन पड़ेगा, ठीक है? या मजाक नहीं चल रही है, और ना मजा चल रहा है हो यहाँ पे किसी आप? किस्म का। अरे मैं कोई भी हूँ, नहीं वो आप छोड़ कौन दीजिए हो, आप। कोई भी हूँ नहीं तो मैं, आप क्या? आप कौन, मैं वो छोड़िए, ये बकवास आपके बातें मत करिए पास क्यों यहाँ। आऊँ? नहीं सुनिए सुनिए, यहाँ मजाक नहीं मैं चल क्यों आऊँ रही, आपके पास? यहाँ बड़ा गंभीर सा काम चल रहा है, हाँ समाज सेवा का काम चल रहा है, ठीक है? जागरूक बहुजनों को जागरूक करने ये का काम समाज चल रहा है। सेवा का किस तरह की काम हल्की नहीं है बात कर सर। रहे हैं आरडी की बात, ये बात। चलिए अब एक बात मुद्दे बताओ की क्या? बात करते हैं, चलिए शेरती जी मुद्दे की बात करते हैं, छोड़िए। चलिए मुद्दे, बताइए हाँ कितने मुद्दे की लोगों को बात करते कितनी सरकारी हैं। नौकरियां हैं, चलिए बताइए। हाँ शेरती जी, कितनी मतलब सरकारी नौकरियां हैं? आप आरक्षण की बोल रहे हैं ना, नहीं आरक्षण अब मिला ये 70 सालों में क्या कर पाए? मैं हाँ पूछ रहा हूँ कितनी सरकारी हाँ नौकरियां हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अरे नहीं आरक्षण नहीं आप मिला है पहले कहाँ पे बताओ, आप ना, मुद्दे आप की बात हमेशा करें। नहीं नहीं मुद्दे की बात करें आप पहले, आप भटकाएं नहीं। आप बताएं मैं कितनी आपके एक सरकारी सवाल का नौकरियां जवाब हैं नहीं दूंगा 70 सालों एक। में मिली हैं? चलो बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, नहीं पता अरे मिली पूरी तो मिला। खूब अरे है। पूरी मिला, अरे सुन तो नहीं सही है। अरे बेटा सुनो, अब बात सुनो यहाँ पे, कुल हाँ मिलाकर दस सुना, करोड़ सरकारी हाँ सुना, नौकरियां भी नहीं होंगी, ठीक? इनमें से 50% हाँ आरक्षण मिला, 4-5 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोगों को हाँ आरक्षण देके बाकी 84 करोड़ लोगों का खा के बैठे हो। कौन सा आरक्षण की बातें करते हो यार यहाँ के? किस तरह की बातें करते हो यहाँ के? मजाक कर रहे हो क्या तुम? बाकी कहाँ आरक्षण मैं मिलता है? जो कहना चाहता था ना आपने समझा ही नहीं। अरे आपने मजाक कर दी पूरी बात की भैया, हम यहाँ मजाक नहीं करने बैठे हुए हैं। नहीं वो तो उसने बोला है, मैं जो कहना चाहता था ना वो आप नहीं समझे ही नहीं। आपने शुरू से ही गलत बात करी, और चार पांच चढ़ जाते हो, पांच चढ़ जाते हो, छह मैंने चढ़ जाते हो। सुनो यहाँ कोई चढ़ने वढ़ने से नहीं, हाँ जिसके ये पास तर्क होगा सत्य होगा वो जीतेगा, जिस पे सत्य नहीं है वो हारेगा, अब चाहे मॉरल वो एक टीचर सर आदमी इनसे हो ये भी चाहे दस पूछ आदमी लीजिए, हो, ठीक? मॉरल टीचर सर यहाँ इनसे सत्य ये की भी बात पूछ हो रही है, लीजिए, ये झूठ की गुर्जर बात नहीं हैं है। और ये गुर्जर ओबीसी का आरक्षण लेते हैं, फिर भी इनसे ये वही पूछ बात है लीजिए कि ना, आप ये अपने आरक्षण खा के गुर्जर में बैठ, से किसी जमाने कितने। में हाँ राजे रजवाड़े थे, आज आरक्षण खा के बैठे हैं गुर्जर बन के, और ये वो खुद को नहीं दलित फिर भी बताने नहीं, लगे इनका और ब्राह्मणों की इनके वकालत कर रहे हो, अरे ब्राह्मणों मैं पे तो झंडा दलित उठा हूँ ही रहे। नहीं, मैंने कब बताया अरे मैं नहीं हो दलित ना हूँ? तुम, नहीं हो ना दलित, हम भी तो कह रहे हैं मैं तो फर्जी नहीं हूँ आरक्षण खा दलित, के बैठे हो, तुम फर्जी आरक्षण खा के बैठे हो आप तुम। फर्जी खा के बैठे हैं, ये ले हम अपने हाँ लठ के दम बिल्कुल पे बैठे बैठे हो, तो हैं। फिर किसके लठ दम पे के बैठे दम पे हो? बैठे और बोलो, लठ के दम हरामखोरी पे के दम पे बैठे पेट्रोलियम हो, का हरामखोरी आंदोलन के किया दम जब पे बैठे खरीद। हो, किसी के दम पे नहीं बैठे, देखो मक्कारी यार के दम ये पे बैठे यहाँ पर हो। भी है, अब मक्कारी कर ठीक रहे हो है ये भाई शोषण है ना जो तुम तमीज से। करते आए हो, अरे ये अब नहीं मक्कारी कुछ चलेगा। नहीं है, एक बात सुनो, बताओ तुम्हें तकलीफ रुको, इसी बात से, तो हेलो, तुम्हारा चरित्र अरे नहीं उजागर कर दिया सुनो हम लोगों ने, सुनो वो और वो आरडी की कथा सुन के जो तुम्हारी पिछवाड़े में आग लगती है ना, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। बड़े कह रहे एक रोज बात रोज सुनते बताओ हैं, अरे क्या, तुम्हें बहुत तकलीफ तुम होती है यार, सुनते ही नहीं हो, तुम तुम्हारी ब्राह्मणवादी हो, आदत है, शुद्ध ब्राह्मणवादी हो, तुम दो तुम नहीं मिनट सुनते, सुनोगे तुम उसके बोलते ही बाद जाते हो, सुनोगे तुम अनर्गल नहीं, प्रारंभ कर रहे हो जब से उल्टा सीधा बोल रहे हो, तुम 2 मिनट सुनने समझे? के बाद सुनोगे नहीं, क्लियर अरे है, जरूरत ही नहीं है ना, तुम हम बात बड़े निकाल धीरे दोगे धीरे ना फिर। बोलेंगे, तुम सुनोगे नहीं। हाँ चलो हाँ मुद्दे की बात करो, सुनेंगे ये सिर्फ, छोड़ो, आरोप चलो बताओ, मुद्दे की आरोप बात लगाओ, फिर हम करें, खंडन करते हैं। और दूसरी बात, चलिए हमारे फिर हम साथ अमित गुर्जरों का सर भी इतिहास खोल हाँ। दें, कितने जय गुर्जरों ने भीम, नहीं एक बात मुगलों को अपनी बताऊँ, करानी। हाँ भाई जय भीम, आप जितने आप पैनल बैठे, जितने देखने इनका वाले सभी आपसे को भी जय भीम। आरोप क्या है, हो गया यार भाई एक बात आपके, सुनो, शेर सिंह भाई ये क्या इनका हो? आरोप, इनका आरोप है कि अमित तिवारी सिर्फ ये आरडी की बावनिया कहानी वाले हो, सुनाता रहता है और दूसरी ये कोई बावनिया कहानी का नहीं अमित है। देखने आ रहे। अरे ये शंकर जी को गुर्जर मानते ही हो क्या? अब मेरे को पता है अमित जी, आप भाग के यही बोलोगे शंकर जी को मानते हो क्या, ये बोलोगे आप आते ही, और फिर आरडी को मानते हो, तो लगी मिर्ची से, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण भगवान सुनो, ये ब्राह्मण है, लगी मिर्ची से। मैं नहीं मानता हूँ ब्राह्मण को लगी मिर्ची। यार बात ये मैं फिर से बताऊँ, वैसे ही, फिर अमित का से तो एक मैंने देख बार, एक रखा है, बार और, अमित का भाग फिर एक बार के एक ही और, कहेगा शंकर जी को मानते हो क्या। सिर्फ मैं बता रहा हूँ, हमेशा कहा है अमित का एक ही वो, शंकर जी को मानते हो, लेके आड़ी की कथा सुनाएगा, कुछ नया कछु तो नयो करो। अरे तो भाई तुम्हारा शंकर कुछ नया करेगा तब और तो तुम फिर मैं कुछ भाव नया बताऊंगा ना।
तुम्हारा शंकर नया कर नहीं रहा मैं है बताऊं, ना। मैं ना शंकर, हाँ तो मेरे बारे में तो अच्छा, पूछ, मैं क्या अभी करता हूँ एक, एक रुक लो, मैं। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, रुक जा मेरे प्यारे भाई, अभी अभी करवाते नया। हाँ मानता है क्या सुन, शंकर जी को? नहीं मानता नहीं मानता? और बचपन से नहीं का मानता, कसम से है, बचपन नहीं मानता? से शिवलिंग कैसा लगता मेरे है? ऐसा चल हुआ बता, मेरे साथ, चल बता नहीं शिवलिंग घटना। कैसा लगता है? अरे भाई कुछ अरे नया एक करवा रहा अरे हूं तू ना, बाल कुछ नया लेनी करवा चाहिए रहा हूं, भाई। बता ना कुछ शिवलिंग में इधर कैसा देख, लगता है, बता। नहीं सुनोगा? हाँ अरे बता सुन तो कैसा लगता सही, है शिवलिंग? अरे यार मेरे एकदम साथ तो फुसफुसा बचपन में के ही क्यों ऐसा हो बात गया कर कि रहा है? मेरे जैसे को ही भी, शिवलिंग की अरे बात सुन तो आई, सही यार, रजाई के अंदर घुस के क्यों बात कर रहा है? बाहर निकल जा भाई, ये छुप के बात कर रजाई रहे के भाई, अंदर तो क्यों घुस बाहर गया ही हूँ यार? ये तो यार। छुप के बात कर रहा है जैसे ही शिवलिंग का देख बात मैं आया। बताऊँ, तू है चुप के बात कर रहा है हेलो, भाई, छुपा? सुन, अरे सुनेगा ही नहीं तू, तू सुनेगा ही भाई नहीं, तो तू, अरे तो तू अरे छुप क्यों आदत है रहा तेरी को, तू है? सुनेगा ही नहीं, छुप क्यों है भाई तू यार, सुनेगा ही कैसा नहीं, मैं है बता रहा हूँ नाक कटवा यार, दी यार तूने अब तो तो सुन यार, ले अब मेरी मेरे तो बात। गुर्जरों को तो हाँ लट के दम पे ये तू नाम भैया ही रखा है ना, है इसने, डीएम शेर है, सिंह, इसने नाम रखा है शेर सिंह, और ये डंडा घुस चोर रहा है रजाई यार तू, के तो अंदर में। हाँ ये डंडा चोर, कैसा तू बावन शेर है है ना, रे तू? तू कैसा शेर है? डंडा चोर हाँ है यार, अरे तू डंडा बावन है चोर है ना, यार तू, तू बावन है, यार अब तेरे को वो हो रहा है, अब गलानी तेरे हो को रही है वो कि हो रहा तेरे ने है, बहुत अब तेरे बुरा को किया वो तेरे हो तो रहा है, बाप दादाओं ने इनके साथ, अब नहीं तेरे को तेरे को वो हो रहा है। गलानी हो अच्छा रही है, सुन अब ना यार, पड़ा हुआ वो है, छोड़ दे अब छोड़ कुछ दे नहीं छोड़ होने दे, वाला, जो तूने कर दिया ना ये तेरे बाप बता, दादाओं ने वो हो के रहे। हाँ सुन सुन सुन, ये बता तेरे को शिवलिंग कैसा लगता हाँ है? नहीं अरे बता, मेरे को रजाई के नहीं अंदर तो तू मतलब घुस यार गया शेर इनसे, सिंह, बता कैसा लगता है शिवलिंग अरे तेरे को? रिजाई वाले मेरे को नहीं है इनसे मतलब है, कहाँ घुस के समझ बात कर रहा गया? है कहाँ? अरे कौन नहीं सा कोना पकड़ लिया, अब एक बात कौन सा बता कोना पकड़ यार, लिया? अब एक बात ये बता, हैं, घुस कहाँ गया यार, सुन मतलब तो सही, सही, कहाँ अब चला एक गया, बात, कहाँ आवाज गया? झटक गई हाँ पूरी तरह से, ब्लैंकेट वीक नहीं निकला यार, ये तो आवाज ब्लैंकेट वीक नहीं। निकला सही में ये यार। देख ये ब्राह्मण है देखो ये ब्राह्मण, देखो सुनो बामन है ये बामन, देखो अभी निकलेगा किसके, सांप की केचुली उतरेगी अब, बामन है। ये देखो भाई अरे इसको, कोई हाँ बामन नहीं है भाई, इसकी अरे चोंच को बंद करके ना इसका शेर आवाज निकालो मेरी भाई कर, फिर। अरे तेरी चोंच बंद करेंगे अभी तू। हाँ हेलो तू कौवा है रे, आवाज आ तू रही है अपना वापस, नाम शेर सिंह रखा है, तू कौवा सिंह नाम है तेरा, तू कहीं कोना चूहा पकड़ लिया है तू, समझा? और तू कौवा है अभी, सिंह तेरी है, चोंच चूहा को आवाज आ बंद रही है, करेंगे चूहा ठीक है? तू अपना सिंह रंग है ये, छोड़ेगा अभी थोड़ा देर में, मेरे को पता है तू अपना रंग छोड़ देगा अभी थोड़ा देर में। हाँ चूहा सिंह है भाई, चूहा कौवे सिंह, क्या? हेलो हेलो हेलो, अरे हेलो आवाज आ क्या रही क्या है, फोन है क्या? अरे का हेलो तो तू भाई? सुनेगा तो सुन, तू सुनेगा तो कंगो यार ये ने, भाई यार तू कौन सा सुन तो कोना सही, पकड़ा बोल तो कौए रहा जैसे, है चमगादड़ जैसे कोई कोना पकड़ लिया भाई, इसने? हाँ कहाँ ये जाके तो लटक गया रे? नहीं, नाम तब तू रखा है शेर सुनेगी सिंह, तू अमित भाई नाम यार, रखा ये शेर क्या हो सिंह गया और भाई, सुन तो चमगादड़ जैसे सही कोना में लटक गया भाई, जाके ये कहीं? भाई ये हाँ तो ऐसे हो गया जैसे यार गर्लफ्रेंड सुन से दे बात कर रहा भाई, हो और मम्मी पापा आ जाए ना, तो ऐसे चुपके से हाँ दुबक के मैं बात जैसे करने ही शिवलिंग का लग नाम लिया ये तुरंत के ना गया जो कोना है उसको पकड़ लिया, चमगादड़ ऐसे लटक गया वहां जाके। हाँ और नाम रखा है शेर सिंह। हाँ भाई। अरे यार कौआ सिंह है यार ये तो, तुम्हारा धंधा बन हाँ चुका है, मैं ये बताऊं कौवा है तुम्हारा कौवा। धंधा बन अभी गया ये है, देखो ये आते ही आया टक्कर बंदा, इसने लेगा, आते के धीरे साथ धीरे में बोल घुस रहा, देख धीरे लिया। धीरे बोल अरे इसकी शादी से रहा नहीं हुई है यार, ये कहाँ कर गया? ये जो अरे जो ये यार चैट गलत लिखा है, इसका शादी हुआ ही नहीं है, ये शिवलिंग के अच्छा हुआ चक्कर नहीं, में, इसका ये शिवलिंग गर्लफ्रेंड के के चक्कर में दुपट्टे ही बता रहा हूं। छूट जैसे ही मैं गया शिवलिंग का नाम लिया इसने तुरंत पकड़ा कोना। हाँ ये, गर्लफ्रेंड के दुपट्टे कौवे भी जैसा छूट गया मंडरा रहा है ये, और यहाँ पे पहली आ गया और तेरी, नाम रखा शेर सिंह है, और नहीं मैं अब बिल सुन में रहा था छूटने तो ना, रहेगी ये तेरी, आया और आके बोलता है एक से अरे चार रहेगी बात करोगे? क्या अरे एक से बात ही नहीं कर पा रहा है ये ठीक से, चमगादड़ ये लो, ऐसा लटक गया कोने में जाके। हाँ क्या है यार ये देखो, ये शेर है, ये चूहा है तू एक यार, नंबर ये को छूट शेर है, समझ गया बताओ है, ये कैसा ये शेर है चूहा रे? है, तू बोल शेर के नाम पे कलंक है रे? हाँ बस, अब गाली निकलेगी इसकी, हमें सब निकलने ही अरे वाली है नहीं इसकी गाली, देखो ये गाली निकली। तो मेरी निकल जाएगी हाँ है, बोल इसकी बोल 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 बेटा, तो बोल बोल पूंछ बोल होना है, जल्दी। ये नहीं भाई भाई इसकी, अभी इसकी अभी तुम ये को इसी की स्थूल गोदाम डाल दूंगा मैं, ये अरे जैसे ही इसने गाली बका ना, इसी तुम को इसकी स्थूल गोदाम डालूंगा निकलने मैं, वाली है इसकी, इसी मुंह को पे ही इस रखी है लेकिन मैं इसी को ही भाई, अंधा कुटिल सांप बना के ये कह इसी रहा अंदर था, डाल दूंगा। ये बोल रहा था ये, इसने आरक्षण तो लठ के दम पे ले रखा भाई, ये देखो इसका लठ, ये लेगा ये लठ लठ के दम किधर पे घुस है? गया, लठ चलाएगा, हाँ किधर घुस गया, मुगलों ने मुगलों लठ लठ चलाए भूत थे है रे, यार। तू खुद लठ है, तू लठ बुद्धि है रे। हाँ तू क्या लेगा लठ के दम पे? हाँ मुगलों तू की लठ अपवाद के तो नहीं दम कर रहे तो, पे, दिया तू तो करो लठ के यार, दम पे एक ठो खटिया ले ले, वही बहुत बड़ी बात है रे।
अब बताओ तो जैसे ही ब्राह्मण सीढ़ी का पद कैसे नाम आ लिया गए। तूने तुरंत कोना पकड़ा हेलो, और बात कर रहा है लंबी लंबी, और अरे यहाँ पे नाम रखा अपना शेर सिंह गुर्जर, ए पता नहीं चूतिए नाम सुनना नाम तो तो सुन ऐसा ले रख चूतिया, लिया है भाई जैसे 21 तो की ओ सलामी चूतिया चलती सुने है तो सुने। इसमें। आ गया आ गया आ गया ये आ गया, देखे, निकली ये निकली देखा, निकली आ गया गाली, अब निकली निकली हाँ साफ देखो केचली ये सुनो देखो ये देखो इसकी सुने बात, तो सुन ले तू, ये आया ये आया, बहुत बढ़िया सुन बेटा, रहा आप मैं बोल तू बोल सुना बोल, ले आप तू, ये बोल 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 क्या बोल रहे बोल, काले कौए घूम रहे हैं यहाँ ये पे। ब्राह्मणवाद है ना, अभी भी हावी है तुम सब में, ये नहीं अमित है ना, इसको तुम ज्यादा तवज्जो चुप देते हो क्यों, कि ये चुप ब्राह्मण रहे। है। अरे ये राजा मानसिंह गुर्जर आजादी पता दी है मुगलों इसकी क्या क्या करते थे चोदा पता बच्चों है दबा कि इसकी, नहीं? ओ गुर्जर राजा आ गया बड़ा तीन मानसिंह मुगलों क्या क्या करते थे, क्या धोते थे पता है? फुट की खटिया में बैठा है और नाम रखा है शेर सिंह गुर्जर है, इसकी खटिया 3 फुट की है और हेलो उसका नाम अपना रखा है शेर सिंह गुर्जर, जैसे इसका नाम सुनकर कोई 21 तोप की वो देता है सलामी है, जैसे ही शिवलिंग का नाम लिया कौवा तुम्हारी जैसे तो कोने में आदत हो उड़ गई, गया। ये ये देखो फिर से, अरे बहुत लठ बढ़िया बोला था। बुद्धि, तू लठ से क्या यार लिया है, टॉपिक तू पे ये तो बात बता करते हैं दे यार इसे, तू क्या लिया ये लठ भाई से। यार टॉपिक पे, हाँ ये अभी 5 लोगों से अब 1 लोग से बात कर रहा है भाई, टॉपिक हाँ बता भाई कैसे बात अरे करनी देख, है नहीं बोलेगा 5 लोगों ने अरे फेल तू दिया पहले जैसा टॉपिक की रहेगा। स्पेलिंग तू यार, ये हाँ टॉपिक की स्पेलिंग बता दे, चलो ये लठ के दम पे यार, आरक्षण अरे लिया है ना, नहीं नहीं इससे भाई यार टॉपिक की इतना नहीं स्पेलिंग है पूछो। भाई, इतनी बेइज्जती मैं सहन नहीं कर पाऊंगा भाई मेरे शेर की, भाई यार भाई इतना तो बता देगा यार शेर नहीं है भाई, भाई, टॉपिक की क्या होती है भाई, टॉपिक की स्पेलिंग क्या हाँ होती है बता भाई, भाई भाई बता दे भाई, बता दे भाई, चल इतनी बेइज्जती मुझसे टॉपिक बर्दाश्त की नहीं होगी बता यार, गुर्जरों की बता नाक भाई, कट जाए बाबरी यार पूछ, इतना ओए बाबरी पूछ बोल। अरे ये देखो इसको भाई, क्या हो गया यार रे शेर सिंह यार है? गुर्जर की नाक नहीं कटवा यार, माँ कसम यार शेर सिंह जी, मुझे ये उम्मीद नहीं है भाई, मैं आपकी साइड हूँ मैं यार, ये इनकी इन लोगों की साइड में नहीं हूँ यार, ये तो ब्राह्मणवाद ही है। चलो यार बता दो यार भाई, मैं भी थोड़ा हेल्प कर दूंगा, टॉपिक बता यार, की स्पेलिंग शायद टटेरा वाला टा से होती होगी, टट्टी वाले टा से। टारजन वाले टा से होगी भाई। अरे यार ये शेर सिंह गुर्जर नाम कैसे रखा यार, मगर देखो नाम कैसे तोप जैसा किधर गया रखा है है भाई, यार, सोचो ये है कि कहाँ किधर चला गया गया भाई, भाई। हाँ ओ इस पे भैया गंदे पड़ शिवलिंग रहे के लग ऊपर रहे मत चढ़ो यार, अभी से टाइम है, अभी रात में चढ़ना, थोड़ा और लेट होने दो, रुको होली लठ, कहीं कैसे गले में तो नहीं फंस मनाओगे। गया भाई, भाई हाँ लठ इसके गले में तो नहीं घुस गया यार, इसके सुन गले में ना शिवलिंग फंस गया, इसके गले में शिवलिंग मैं फंस गया, अब निकला, तुमसे, देखा मैं जैसे ही शिवलिंग का, तुम शिवलिंग का नाम लो आजाद, इसके मुंह से कुछ हेलो निकलता है आवाज देखो, आ रही है तो सुन ले, ये सुननी देखो। है तो कौन अरे मेरे प्यारे कौन तू भाई चूतिया, शेर किसने सिंह बड़बड़ा गुर्जर तो नाम है तेरा सुकर है कौन रखा रे, तेरा नाम कौन रखा, तू तो ऊद तुम्हारी भी लाओ जैसा भी नहीं है यार, तेरा नाम शेर सिंह गुर्जर कौन रख दिया यार, ये तो इतना तोप जैसा नाम अरे तेरा रख दिया, और तेरे को शर्म नहीं आ रही है, तू इतना बड़ा नाम लेके चूतिए, घूम रहा है? कैसे मुंह तेरे को पे खुल्ला लगाम कौन लगा ले छोड़ता है रे, चूतिए, ये देखो फिर से गालियां तेरे दे रही बड़े है, बूढ़े अरे ने तेरे कर को दियो ना खुल्ला जब कौन निहोए, छोड़ता है रे, ये शेर सिंह तेरे तेरे को बड़े खुल्ला बूढ़े कौन ने छोड़ा, क्या, ये ये देखो देखो गाली भाई, बात यार, ये गाली बात, अब हाँ इसीलिए हमको चोट दबाना पड़ता है यार, इसको आज मतलब इसका जो रस्सी किसी ने खोल दिया भाई, आज लग रही है। हाँ नाम रखा है शेर सिंह बैल वैल है क्या गुर्जर, भाई, बैल है क्या भाई, ये ये बैल नहीं है यार, ये चमगादड़ है, ये कोना पकड़ता है जाके, जैसे ही तुम शिवलिंग का नाम लो, जैसे ही मैं लिया तो कौवा जैसे कोना पकड़ा, चमगादड़ जैसे जाके लटक गया, और ऊद भी लाओ के जैसी इसकी आवाज चू 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 कर रहा, और नाम रखा शेर सिंह गुर्जर है, चोट अमित सर उसे तकलीफ ये थी, अपन 5 लोग बोले मिलके चोट। पेल देते हैं। ये तकलीफ चोंच खोलते हैं, चलो यार इसे चोंच बहुत खोल, तकलीफ हो रही है। चोंच खोलते हैं कि पेलना यार कुछ ये नहीं होता है भाई, अगर कोई देखो, सुनता ही नहीं है ना, बाकी है अरे ना पेली तेरी तो स्कूल बुदा तुम्हारी माँ में, ने खूब है, और अच्छा वही सुन अमिताभ तो अयवान रे, सुन बचा हुए हैं, बेटा ये मुगलों ने अभी तुम्हारी मिटा पहेली नहीं भूल पड़ी, गए क्या, मुसलमानों से सुन पिलवाई ले है, तेरी स्कूल बुदा प्यास में पड़ तू ले अपने अपना लठ को क्यों इतना जोर से डाला रे, है यार 3 फिट की तेरी समझ गए। खटिया है और नाम रखा है शेर सिंह और एक गुर्जर। बात बताऊँ क्या, हाँ भाई रॉक्सी सर, बजाय जय भीम। तुम्हारा धंधा अच्छा मेरी उजड़ बात रहा सुनो है, यार, रुक अरे जा ये और सुनने रुक जा, वाले ने, और रुक जा ये तुम्हारे गुजर, रुक भक्त जा बन चुके हैं, और रुक जा और इन रुक जा बेचारों को ये गुजर, पता नहीं और है कि रुक ये जा तुम्हारा गुजर, धंधा ओ भाई रजाई में शिवलिंग को धीरे धीरे ले है, क्या इन हो गया बेचारों तेरे को को, पता ही क्या फर्क नहीं पड़ गया? ओ भाई रुक जा 2 मिनट, और ले लिया क्या, दूसरा चाहिए क्या, चक्कर क्या है, कितने शिवलिंग लेगा तू आज रजाई में बैठ के गुजर, अबे कौवा गुजर है भाई, अब ये एक क्या रॉक्सी क्या सर, है, मैं बात नहीं सुना रॉक्सी तो कुछ सर यहाँ करे, पर अपोज करूंगा सर, खटिया के कौवा कोने सिंह में पूरा बैठा नाम है ये हेलो और वहां से बैठा सर, शिवलिंग खटिया भी के ले रहा है, कोने में बैठ के अरे शिवलिंग आ ले रहा जा है, कभी कोना ले रहा है, पता नहीं आजा क्या सुन क्या रहा ले है रहा क्या है, तू, ओ आजा आ आजा जा सर कहाँ इसका ना वो, कहाँ इन दूर से हटा, ना, अब तो रॉक्सी सुन सर एक बार उसका मेरी नाम बात, पूरा ओ बोलो, भैया कौवा सिंह, कौवा सिंह है वो, देखो कौवा सिंह कौवा गुर्जर, सिंह गुजर जी मेरी बात सुने, जहां आप जाते हैं वहां तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वास्तव आपने में लेना होता है चूतिया है, शिवलिंग। चूतिया सिंह चमारो,
ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है। अरे बिल्कुल भाई, हम तो हैं चमार, हम तो, हमने हमने कब कहा, मैंने कभी मना किया कि हम नहीं है चमार, हम तो हैं। अबे तू क्या है साले, ब्राह्मण है तू, यहाँ पे गुजर नाम लिख के आई है, बंदा ब्राह्मण है भाई साहब, ये गलत बोल रहा है। और रजाई में क्या ले रहा है, शिवलिंग छोटा बड़ा करके, वो आए थे ना, वो बोल रहे थे शिवलिंग अपने आप पड़ जाता है, उनको इनके दिखाओ, जब इनके पिछवाड़े में जाता ना फिर अपने आप बढ़ता है शिवलिंग। नाम क्या रखा, और देखो ना, शेर सिंह गुर्जर, हाँ, तीन तो फिट की खटिया का जो चौथा पाया है उस पे बैठा हुआ है ये लठ लेके, हाँ, और शिवलिंग इसका मुंह फंस जाता है, क्यों रे, ऊद बिलाव जैसे इसकी आवाज निकल रही है। और नाम इस तरह, मतलब नाम देखो यार, यार इस तरह के नाम तो भाई यार, तुम तो सारा मानी थी, ये कौन रखता है ऐसे नाम, शेर सिंह गुर्जर, ये क्या नाम रखा रे तू। और यार जिसको अपने आप पे बिल्कुल ही शक हो ना, वो पहले शेर सिंह रख लेता है, उसको पता कि बात बातें झूठियां पढ़नी है, तो वो कहता कम से कम नाम तो ये हो, कौवा सिंह गुजर नाम रखो भाई, अबे चूहा सिंह गुजर, अबे गधे अबे चूहा सिंह गुजर, इसका नाम चाहिए, शेर सिंह ये गधा सिंह यार, नहीं यार गधे तो फिर भी कोई काम कर लेते हैं, एक्चुअल नाम है सुअर सिंह कुछुंदर, ये शेर सिंह गुजर नाम नहीं है इसका, इसका नाम है सुअर सिंह छुछुंदर। हाँ, ये आया अभी, ये एड्रेस ये बता, और ये एड्रेस बताएगा, ये एड्रेस बता रहा है, देखो एड्रेस बता रहा है, कहाँ का है रे गुर्जर, गुर्जर कहाँ का है रे गुर्जर, तू कहाँ का है बता, चल कहाँ का है रे, लेके बैठा हुआ है, कहाँ लेके बैठा था लट, आवाज आ रही है, कहाँ का है, चल बता, आवाज आ रही है, चल बता कहाँ का है, आवाज आ रही है, मैं बता कहाँ का है, आवाज आ रही है, बता, हाँ आ रही आ रही है, नहीं बता रहा का जो पुराना पीपल है ना वो जाकर तू लटकेगा, ये देखो ये देखो यार, अब एक बात बताऊं क्या, स्ट्रीम सुनने वालों को बता दूं क्या, तुमने धंधा बना लिया इस जातिवाद को, ओ धंधा बना लिया, धंधा बना लिया, यहाँ यहाँ क्या लेने आया तू, धंधा बना लिया, धंधा नहीं बनाया है, जातिवाद को ठोकने वालों को अपना टाइम पास बनाया है, अरे गुर्जर, अरे सर इसको प्रॉब्लम पता क्या हो रही है, ये है ब्राह्मण, इसको प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप समाज को सुधार क्यों रहे हो, शिवलिंग के पे, अब शिवलिंग पे कोई दूध चढ़ाने लोग कम आते, इसको अपनी पिछवाड़े में लेना पड़ता है, आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना सर, पहले आते थे वो शिवलिंग पे दूध वूध चढ़ा जाते, आपने आड़ी की कथा सुना दी, अब ये क्या करता है, ये चूहा सिंह गुजर जो है वो क्या करता है, वो उसको पिछवाड़े में लेना पड़ता है, तो क्योंकि उस शिवलिंग की भी तो शांति चाहिए ना, कहाँ तो का है, थोड़ा पूछ लेते हैं, कहाँ का है रे तू, कहाँ का है रे तू, ये आड़ी का है सर, और चूहा सिंह गुजर कहाँ का है रे तू, आड़ी की औलाद तो तुम वो समझ गए, नाम रखा शेर सिंह गुर्जर, अरे लकड़बग्घा जैसे क्यों हंस रहा है भाई, कहाँ का है तू ये बता, है कहाँ का, अरे तू तो ने, तू तो भले चुपी है, तेरी तो मुझे आवाज गंदी लगती है, तू तो ये भी निकल रही है, आवाज शेर सिंह है यार तू, अबे चूहा सिंह गुर्जर साहब कुछ काम धाम कर लो, है बड़ा, अबे यहाँ आ गए हो, ये ब्राह्मण बात को बताने नहीं यार, ये आड़ी सिंह है, ये बोल रहा मैं आड़ी एक बात बताऊं, तुम्हारे इतने काने लगाऊ हैं, तुम सामने हो तो हैं लेकिन तुम्हारी औकात नहीं सामने आने की, ओ तू तू थोड़ी बताना यार, हम तेरे भगवान के रोज पिछवाड़े पे जूते मारते, तेरे भगवान का नाम ही रख दे भाई, आजाद इसका नाम रख दे, आड़ी सिंह गुर्जर नाम रख दे इसका, आड़ी सिंह गुर्जर भाई, और सेकंडली सर ये बोल रहा है कि भगवान की कसम तुम्हारे उसी भगवान के पिछवाड़े पे रोज जूते मारते हैं, तुम्हारी औकात, एक आज तक किसी के लगाए हो मेरा बेटा, अबे तू शिवलिंग ले ले, शिवलिंग ले ले आराम से, शिवलिंग के तंग करेगा ज्यादा, इसको आराम से ले, बोल इसको आराम से ले, बिना बोले ले, बिना बोले लेते रहे, इसको आराम से ले, बोल मेरे को शिवलिंग से मतलब ही नहीं है, वो शिवलिंग से तेरे को मतलब थोड़ा ना, तू भाई तू ये नंदी बैला है, ये बाहर बैठा है मंदिर के कि कब निकलेंगे, कब मिलेगा, अबे क्या तरसा हुआ आदमी है यार, इसी प्रकार ये सिद्ध हो चुका है कि ये चमन चूती इसी पर जो और इसी प्रकार ये सिद्ध हो चुका है कि ये चूहा सिंह गुजर जो है वो सबसे बड़ा चूतिया है, चूहा सिंह गुजर साहब, चूहा सिंह गुजर साहब, अरे चूहा सिंह गुजर साहब क्या हो गया, अरे अरे चूहा सिंह गुजर साहब मेरी बात तो सुनिए, अरे अरे बात सुनिए, अबे तेरी औकात नहीं है ना बात करने की गधे, अबे तेरे को कुछ पता नहीं, अबे तेरे को कुछ पता ही नहीं है ना, तेरी क्या बात सुने, अबे किसी गधे की बात सुने, सुना अब मेरी बात सुनो आराम से, ये देखो ये है चूहा सिंह गुर्जर जी,
आपने इनकी भावना को आहत कर दिया। वो रजाई में बैठे हुए थे, शिवलिंग ले रहे थे, आप बार बार आड़ी कथा सुनाते हो, शिवलिंग की कथा सुनाते हो। अमित तिवारी जी, आपकी गलती है, आपने उसकी भावना को आहत कर दिया, अब उसको शिवलिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, पहले वो सीधा ही ले लेता था। ये चमगादड़ को लात मार के निकालो भाई, चलो भाई तो निकल जा, लठ लेके बैठे नहीं, रह इससे आखिरी बार ये पूछते हैं यार। हाँ यार, चूहा सिंह किधर का यार, बता तो रहे अपना नाम, वो तो बता जा रहे किधर से है रे चूहा सिंह। ओ आडी सिंह गुर्जर यार, शंकर जी पता नहीं इसको कहाँ कहाँ क्या कर दिए यार। आडी सिंह हो गया आजा जी, बेचारे को तकलीफ इसी थी, पांच लोग मिलकर पेल देते हैं, मतलब उसे वही हो गया उसके संग भी। यार पांच लोग फिर से इकट्ठा हो गए। रॉक्सी सर यार, वो इसी के लिए रो रहा था यार, आप पांच लोग अभी इकट्ठे हो गए, वो फिर से रोएगा। ये पांच लोग इकट्ठे हो जाते, गलत बात है, जाके फिर रोएगा अभी यही बात को। बोल रहा था पांच लोग आ जाते हो। यार आप गलत कर रहे हो, आप उसकी भावनाओं से खेल रहे हो। आपने उसको पांच लोगों से पेल दिया, वो अकेले शिवलिंग से काम चला रहा था। ठीक है रॉक्सी सर, ये पांच पांच में तो रॉक्सी सर, ये आपको बद्दुआ लगेगी, पांच में आप हो, हम तो चार ही थे। हाँ, ये बोल रहा था कि भगवान की कसम हम तेरे पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे भगवान की रोज पिलाई करते हैं हम यहाँ पे, तेरे भगवान में तो इतनी औकात नहीं है कि शेर सिंह बेटा, शेर सिंह ले जा अपना राम अपना कृष्ण। यार शेर सिंह का ये लठ तो, यार शेर सिंह का लठ दांतुन बन गया लग रहा है। शेर सिंह देखते ही हम लोगों को लठ को दांतुन समझ के करने लग गए। और आप यार इससे बात करके ना, मैं तो यूट्यूब पे डिस्कवरी चैनल में ना शेर का वीडियो देखूंगा भाई, शेर की इज्जत गिर गई मेरे नजर में। और एक और बात मुझे कहनी है कि हमने लठ के जोर पे लिया ना आरक्षण, आपके लठ के जोर पे नहीं लिया, बाबा साहब के संविधान ने दिलवाया आपको आरक्षण। लठ तो आप हाइपर एक्टिव जी, आप भी हाथ साफ कर लो भाई इस पे, कर लो। अरे इसमें तो नीचे करना था हाथ से, हाँ कर लो भाई, आप भी हाथ साफ करो इस पे। अच्छा यार इधर बोल रहा हूँ, गुर्जर पराजित हो गया यार इधर तो लोग। अरे अभी सर एक चीज और देखिए, इन ये इन तो गुर्जरों के नाम ब्राह्मण लोग ऐसे ही लिखते हैं, शेर चीते चूहा बिल्ली, मतलब इन्हीं जानवरों के नाम देते हैं ब्राह्मण। अरे हाँ यार, इनको मैंने यही सुना है, शेर लगा के घूम रहा है ब्राह्मण ने, अच्छा नाम भाई मेरे जानवर। हाँ बताओ, मॉरल टीचर सर, मेरा एक दोस्त था, उनको ऐसी नाम क्यों दिए जाते, उसके दो तीन भाई थे, एक का नाम था शेर सिंह, एक का नाम था नाहर सिंह, मतलब ऐसी नाहर सिंह शेर सिंह, और ये खुश होते हैं मतलब ये लोग जानते हैं बताओ नाम पे खुश होते हैं। नाहर सिंह कहीं शेर सिंह क्या मतलब है भाई, नाम दे तो दिया, बाकी इनकी ठुकाई करो, ब्राह्मण का यही काम था, इसी में वो खुश है। अभी तक बात कर रहे थे, चुप हो गया अभी। मॉरल टीचर सर, आपका लोगो गायब हो गया, आप बीच में ड्रॉप आउट हुए थे। अरे मैं ड्रॉप हो गया था, अभी तो दिख रहा। यार ये ऊत भी लाओ, जिंदा है कि क्या है भाई इसका, ये तो पता कर लो, इसके मुंह पानी छिड़को भाई, ये बेहोश हो गया है। ये ऊत भी लाओ, ये ऊत भी लाओ, ऊत भी लाओ सिंह, तुम जब शेर नाम रख लिया तो तुम ऊत भी लाओ भी रखो भाई नाम अपना। हाँ सब होंगे इसके घर में, ऊत भी लाओ सिंह, लकड़वग्गा सिंह, सियार सिंह, भालू सिंह, चूहा सिंह, चूहा सिंह, चूहा सिंह, गधा सिंह। अरे ब्राह्मण इन्हें ऐसा नाम देते ही है ना सर, गुर्जरों को ऐसा ही ना, ये वेब को समझ ही नहीं पाते, ब्राह्मण इन्हें उल्लू बना के चला जाता है नाम देने में। यार क्या समझ में नहीं आता ना अभी भी।